नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई दुबई के बारे में। वहां की एक न्यूज है भाई, ये न्यूज वहां के लोकल है, उससे हमें मतलब नहीं है। वहां की न्यूज होती तो हम नहीं बनाते, लेकिन न्यूज है एशियाई लोगों की, हो सकता है इंडियन हो सकता है पाकिस्तानी हो। विद फैमिली 5 बच्चों सहित 2 खुद, यानी कितने हो गए, 7 बंदे फुजरा में रह रहे थे। जी हाँ, काफी टाइम से बंदा टैक्सी ड्राइवर था, अच्छी टैक्सी चला रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, विद फैमिली सेटल था, ये सच्चाई है। लेकिन अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक आने की वजह से उसको लकवा पड़ जाता है। लकवा पड़ने की वजह से एक हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। जी हाँ, और भाई उस टाइम एक पत्नी होती है 5 बच्चों की माँ, इसका मतलब समझदार है, एज्ड है कोई, ये तो नहीं कि छोटी उम्र में है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पति की देखभाल करे। जी हाँ, 5 महीने भी नहीं निकले, कोर्ट में अर्जी दायर कर दी कि मुझे इससे तलाक चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये अपंग हो चुका है, ये हमें कमा के नहीं खिला सकता, इस वजह से मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए। अब आप सोचिए जी, एक 5 बच्चों की माँ, यानी एज 40 से 45 साल की उम्र का परिवार है, बच्चे हैं उनके बड़े बड़े, और इतनी छोटी सी प्रॉब्लम, एक हाथ उनका पैर, इस हालात में उनकी ज्यादा सेवा करने का फर्ज बनता है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन देके तलाक की मांग कर ली कि हमें इनसे अलग रहना है, हमें इनसे अब इनके साथ नहीं रह सकते। जी हाँ, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिसीजन दिया, उसके पति ने क्या बोला, हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज दुबई से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसे ही उसकी वाइफ ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली, आपको पता भाई कोर्ट में सुनवाई तो होती है, दोनों को सुनवाई के लिए लाया गया, वहां तो आपको पता चट से हो जाती है, यहाँ तो 6 महीने का टाइम वगैरह बहुत लंबा प्रोसेस जाता है, लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं तलाक लेने में, अगर एक बंदा नहीं चाहे तो, और आपसी से मिलता है तो 6 छठे महीने 7वें महीने तलाक मिल जाता है। लेकिन वहां पे दोनों को कोर्ट में बुलाया गया, तो पत्नी ने अपना पक्ष रख दिया कि भाई ये 6 महीने तक सब ठीक ठाक था, हम अच्छी तरह से थे, मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अभी, लेकिन इनके ये हार्ट अटैक की वजह से ये अपंग हो चुके हैं, अभी काम नहीं कर सकते, ये टैक्सी चलाते थे, हमारा परिवार चल रहा था, लेकिन अभी ये टैक्सी नहीं चला सकते, इसलिए मुझे इनकी जिम्मेदारी नहीं कर लेनी है, मैं बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। जी हाँ, कोर्ट ने उनकी सुन ली, फिर उनके पति ने ये बताया कि भाई मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छा हूँ, इनको कार भी चलाना मैंने सिखाया, इनको अलग से मैंने कार भी लेके दी है कि भाई तू तेरी पर्सनल कार चलाती रहे, ये बात है जब वो सही था, अच्छी पैसा अच्छा पैसा वो कमा रहा था, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरे बच्चों का, मेरे परिवार की फैमिली का, मैंने जिम्मेदारी पूर्ण पूरा जो भी होता है वो पूरी जिम्मेदारी उठाई है, ये बातें। और पति ने ये भी बोला कि भाई इनकी सोच को बदला जाए, क्योंकि ये मेरी सेवा नहीं करती है, मुझे नहाने के लिए भी मेरे परिवार में या उस पड़ोस में और है उनकी मदद लेनी पड़ती है। जी हाँ, वो उनकी भी हेल्प नहीं करती बिल्कुल भी, और वो उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैं दोस्तों के रिश्तेदारों के थ्रू यहाँ पे दान के ऊपर जी रहा हूँ, यानी थोड़ा बहुत पैसा वो दे देते हैं, इसकी वजह से मेरा काम चल रहा है। इनका विचार बदलने के लिए, इनकी सोच बदलने के लिए कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि भाई आप इनकी कोर्ट में सोच इनकी बदलें कि भाई एक मैं अपंग आदमी अगर मेरे साथ तलाक ले लेगी तो मेरा क्या होगा, फिर देखभाल करने वाला कोई नहीं बचेगा। कोर्ट ने दोनों की बात सुन के मामले को ही रिजेक्ट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, कोर्ट ने रिजेक्ट ही कर दिया मामले को, स्थगित ही कर दिया कि ये कोई मामला ही नहीं बनता तलाक लेने का। एक पति बेचारा हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम में आ गया, 5 बच्चों की माँ 5 महीने भी सेवा नहीं कर पाई, 6ठे महीने बोलती है तलाक चाहिए मुझे, जबकि पति ने बेचारे ने पूरी सेवा के साथ उनको कार तक दिला दी, कार चलाना सिखा दिया, इसका क्या मतलब होता है। तो एशियन दंपति, पाकिस्तानी है या इंडियन है हमें नहीं पता, लेकिन ये है न्यूज, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बिल्कुल गलत बात है। अगर उसकी जगह वो होती, सोचने की बात है, अगर वो ड्राइवर की पति की जगह अगर वाइफ होती तो क्या होता, वो अपने आप को लेके रखे, वो उसको तलाक के लिए बोलता तो क्या, कैसी क्या रहती। तो बस यही है भाई, मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल में खुशी में तो सभी साथ होते हैं, मुसीबत में जो साथ होता है ना वही अच्छा इंसान होता है। बस आज की जानकारी यही थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।